और मेनली वो तीन चीजों के पर काम करने वाले हैं खर्च। यूट्यूब में नॉलेज नहीं है। हे गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ कि सारे जोरदार होंगे, मज़े में। तो आज का ब्लॉग चालू करने से पहले ना, दो लाइनें हैं मेरे पास में। तो पहली लाइन ये है, वादा तभी करना जब पूरा कर सको, और हाथ तभी पकड़ना जब साथ चल सको। तो कहने के लिए तो बहुत छोटी सी लाइनें हैं, पर समझने के लिए ना पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो जितना भी मैंने खुद की लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, 26 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, वैसे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैं कितने साल का हूँ। तो 96 बॉर्न है मेरा, तो आप लोग हिसाब लगा लेना, ठीक है? वो आप लोगों के साथ में छोड़ता हूँ, और मेरे को कमेंट में भी बता देना कि मैं कितने साल का हुआ हूँ, ठीक है? तो यही बात है कि वादा तभी करो जब पूरा कर सको, और हाथ तभी पकड़ो जब साथ चल सको। तो आपको ये वीडियो रिकमेंड हुआ है, या सजेशन में आए हो, या सर्च करके आए हो, या फिर आपको किसी ने शेयर किया हुआ है, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो आप अपने बच्चों को भी कुछ भी सिखा रहे हो, तो पहली लाइन ये सिखा देना, तो ना उनको लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ना उनकी वजह से लाइफ में किसी और को भी प्रॉब्लम होगी। तो अपने नहीं चाहते कि किसी की लाइफ ख़राब हो, ओके? तो सिखा देना सबको, ठीक है? और ज़्यादा साइंटिंग नहीं करेंगे, अभी जाएंगे सीधा क्लास और करेंगे बच्चों से मस्तियाँ, और आपको दिखाएंगे क्या क्या आपने किया है। चलो, सोशल मीडिया किसको पसंद है? किसको पसंद है? ये तू तो हर रोज रील बनाती है, तेरे को क्यों नहीं पसंद है? मैं तो कोलोब्रेशन करने गई थी, वो करने गई थी, वो सब लिखना पड़ना। कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पसंद है तुझे? इंस्टाग्राम। तेरे को यूट्यूब? यूट्यूब। तेरे को फेसबुक? तेरे को कोई प्लेटफॉर्म तो पसंद होगा ना? यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। तमने मैडम कयो पसंद छे? ठीक है, तेरे को कौन सा पसंद? यूट्यूब। और तेरे को? ओ, सलमान खान। सलमान खान तेरे को? मेरे को कोई नहीं पसंद, कोई कोई सोशल मीडिया नहीं पसंद। तू देखता भी नहीं है? तू देखता भी नहीं है? यूट्यूब देखता भी नहीं है? इतना सिंसियर कौन होता है सही आज के जमाने में? क्या नेटफ्लिक्स और डिज्नी देखती हूँ, और कभी कभी हाँ, नहीं तो पापा मारते हैं क्या? नहीं। ओ यूट्यूब में नॉलेज नहीं है। सो गाइज, फाइनली एट होम आफ्टर ऑल क्लासेस एंड ऑल वर्क। तो जैसे ही घर पे आया, एक अच्छी सी न्यूज़ सुनने को मिल गई कि इलोन मस्क भाई ने ट्विटर को ख़रीद लिया है $44 बिलियन में। तो उसमें कितने जीरो हैं ना, वो आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है? पर सुन के अच्छा लगा, और मेनली वो तीन चीज़ों के पर काम करने वाले हैं ख़रीदने के बाद में। सो डील तो डन हो चुका है। तो फर्स्ट उन्होंने रीज़न बताया, जितने भी यूज़र्स स्पैम यूज़र्स हैं उनको वो हटाने वाले हैं। सेकेंड, एल्गोरिदम पे काम करेंगे, और थर्ड उन्होंने बताया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, तो अपने को सुन के अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अभी कुछ अलग से ट्विटर का नया नक्शा होगा, तो अच्छा लगा, ठीक है? तो आप क्या सोचते हो? आपके भी थॉट्स मेरे को कमेंट में बता देना। और इसके पहले व्लॉग में मैंने बताया था, दो जो लाइन मैंने बोली थी उसके बारे में मुझे बताना, ओके? कि आप उसके बारे में भी क्या सोच रहे हो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो आपको मिलते हैं कल, बाय।